मामले पर मुस्लिम लीग नून के अरकान ने इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया है। दरख्वास्त में मौकफ अपनाया है कि सियासी जमात ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त नहीं दी, वो मखसूस सीटों के अहल नहीं है। जिन उम्मीदवारों ने पार्टी वाबस्तगी की सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया, इन्हें डिक्लेयर किया जाए। मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज वकार सलीम से। वकार सलीम, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात आ रही है इस पर। जी देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीगी क्यादतें असम्बली ने इलेक्शन कमीशन से बिल्कुल रजू कर लिया है, करार दिया जाए कि जिस सियासी जमात ने मखसूस सीटों की फहरिस्त जमा नहीं कराई वो मखसूस सीटों के अहल नहीं है। और करार इसके अलावा मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो इलेक्शन कमीशन से सामने आई हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बिल्कुल उनसे अरकान हैं और जो जमात हैं उन्होंने बिल्कुल इस हवाले से इलेक्शन कमीशन से रजू किया। जिन उम्मीदवारों ने इंतखाबात में पार्टी वाबस्ती सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया इन्हें भी डिक्लेयर किया जाए। और साथ साथ ये भी करार दिया जाए जिन आजाद अरकान ने किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार की वो दोबारा पार्टी की तब्दीली को हासिल नहीं कर सकता। ये सदा की गई थी जबकि पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी है। और पार्लियामेंट बहुत शुक्रिया वकार सलीम तफसीलात से आपने बताया। सुप्रीम कोर्ट ने PB 14 में दोबारा गिनती और रिटर्न